रेसलमेनिया से जुड़े 50 ऐसे कमाल के फैक्ट्स जो आपको जानने ज़रूरी है जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप इसे एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और हम जानते हैं कि रेसलमेनिया अब 36 ईयर्स तक लगातार हर साल हो रही है, तो ऑब्वियसली इससे जुड़े कुछ बड़े बड़े फैक्ट्स हैं और 50 ऐसे फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं नंबर वन से, और वो ये है कि हॉवर्ड फिंकल जो कि WWE के लेजेंडरी हॉल ऑफ फेमर अनाउंसर रह चुके हैं, उन्होंने ही रेसलमेनिया का नाम सोचा था। अब जबकि विंस मैकमैन ने पूरे पेपरव्यू का कॉन्सेप्ट सोचा था और वो चाहते थे कि एक शो होना चाहिए जो कि WWE का ग्रैंड शो बने, लेकिन हॉवर्ड वो इंसान थे जिन्होंने इस नाम रेसलमेनिया को सोचा। अगले फैक्ट की हम बात करते हैं गाइस, तो रेसलमेनिया 1 आज तक का इकलौता ऐसा रेसलमेनिया शो है जहां पे कोई भी मेंस की WWE चैंपियनशिप का मैच नहीं था। और ये कमाल की बात है क्योंकि सबसे पहला शो था रेसलमेनिया का और वहीं पे कोई मेंस का चैंपियनशिप मैच नहीं हुआ, वो थी काफी चौंका देने वाली बात। अगले फैक्ट की हम बात करते हैं, तो रेसलमेनिया 2 इकलौता ऐसा शो था जो कि 3 अलग अलग वेन्यू से स्ट्रीम करा गया था। पहला वेन्यू था द नसाओ वेटरन्स मेमोरियल कॉलिजियम इन न्यूयॉर्क, दूसरी थी ऑल स्टेट अरीना इन शिकागो इलिनॉय, और तीसरा था लॉस एंजलिस मेमोरियल स्पोर्ट्स अरीना इन लॉस एंजलिस। नंबर 4 फैक्ट ये गाइस कि रेसलमेनिया 2 इकलौती ऐसी रेसलमेनिया है जो कि एक संडे को नहीं बल्कि मंडे को हुई थी। अब हम जानते हैं कि WWE हमेशा से अपने पेपरव्यू संडे को ही करती आ रही है, लेकिन उस समय पे एक समय विंस मैकमैन ने सोचा कि क्या मंडे को शो करना अच्छा रहेगा या फिर नहीं, और उस चीज को टेस्ट करने के लिए उन्होंने इस शो को जो है वो करा था मंडे को। अगले फैक्ट की हम बात करते हैं गाइस, तो रेसलमेनिया 3 की लोकेशन थी टैक्स सिल्वर डोम जो कि थी मिशिगन के अंदर, और WWE चाहती थी यहां पे कि ये जो स्टेडियम है जितना ज्यादा से ज्यादा भर सके, जितनी ज्यादा से ज्यादा टिकट सेल हो सके वो करें, उसकी कोशिश रही उनकी। और इस वजह से उन्होंने मिशिगन के लोगों के लिए इस शो का पेपर व्यू ऑर्डर एक्सेस ही बैन कर दिया, यानी कि इकलौता जरिया जो मिशिगन के लोगों के पास था इस शो को देखने का वो था इसकी टिकट खरीद के इसको स्टेडियम में देखने के लिए जाना। अगले फैक्ट की हम बात करते हैं, तो रेसलमेनिया 4 और रेसलमेनिया 5 दोनों ही शोज की लोकेशन बिल्कुल सेम थी जो कि थी एटलांटिक सिटी कन्वेंशन हॉल, लेकिन WWE इसको इस नाम से नहीं बोल रही थी, वो कह रहे थे कि ये शो होने वाला है लाइव फ्रॉम द ट्रंप प्लाजा। अब ये ऐसा इसलिए था गाइस क्योंकि ये इवेंट के स्पॉन्सर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी कंपनी थी, और इसकी वजह से उन्होंने इस लोकेशन के नेमिंग राइट्स खरीद लिए थे और उन्होंने WWE को कहा था कि इस लोकेशन को जो है वो ट्रंप प्लाजा बोलना चाहिए। नंबर 7 फैक्ट की हम बात करते हैं गाइस, तो रैंडी सैवेज होल्ड करते हैं रिकॉर्ड सबसे ज्यादा रेसलमेनिया मैच लड़ने के इन अ सिंगल नाइट, और वो है 4 मैचेस। अब आप लोग सोच रहे होंगे भला ऐसा कैसे हो सकता है, तो रेसलमेनिया 4 के अंदर WWE ने एक वन नाइट 14 मैन एलिमिनेशन टूर्नामेंट किया था जो कि था अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, और यहां पे सारे राउंड्स ही जीत के जो है रैंडी सैविज बन गए थे नए चैंपियन। अगले फैक्ट की हम बात करते हैं गाइस, तो रेसलमेनिया 6 सबसे पहली ऐसी रेसलमेनिया थी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाहर हुई थी, और इसकी लोकेशन थी गाइस स्काईडोम इन टोरंटो कनाडा। अगले फैक्ट की हम बात करते हैं, तो रेसलमेनिया 9 वाज द फर्स्ट रेसलमेनिया टू बी हेल्ड आउटडोर्स, और इसकी लोकेशन थी सेजार्स पैलेस इन लास वेगास नेवाडा। अब जो पहले 13 रेसलमेनिया के मेन इवेंट थे उनमें से 9 ऐसे शोज थे जहां पे कोई भी विमेंस का मैच नहीं था, जो कि काफी कमाल की बात है क्योंकि अब तो WWE जो है विमेन मैचेस के बिना रुक ही नहीं सकती है। फैक्ट नंबर 11 की बात करते हैं, तो विमेंस चैंपियनशिप जो है रेसलमेनिया 2 से रेसलमेनिया 10 के बीच में कभी भी डिफेंड नहीं करी गई थी एक रेसलमेनिया के शो पर। इनफैक्ट रेसलमेनिया 10 में एक मैच हुआ था अलंड्रा ब्लेस का जहां पे उन्होंने पहली बार अपना विमेंस चैंपियनशिप टाइटल डिफेंड करा था एक रेसलमेनिया में 8 साल के बाद, और इसके बाद जो अगला रेसलमेनिया का टाइटल डिफेंस आया था विमेंस टाइटल के लिए वो था रेसलमेनिया 15 में। अगले फैक्ट की हम बात करते हैं, तो रेसलमेनिया 20 वाज द फर्स्ट रेसलमेनिया जहां पे 2 विमेंस के मैचेस थे, जिसमें से पहला था सेबल एंड टोरी विल्सन अगेंस्ट मिस जैकी एंड स्टेसी कीबलर, और दूसरा था विक्टोरिया एंड मॉली हॉली फॉर द विमेंस चैंपियनशिप। फैक्ट नंबर 13 ये है कि जो डिवास चैंपियनशिप थी वो अपने आने के 6 साल बाद सबसे पहली रेसलमेनिया में डिफेंड करी गई थी जो कि थी रेसलमेनिया 30 इन 2014। फैक्ट नंबर 14 ये है कि रेसलमेनिया 29 वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट रेसलमेनियाज है जिसको हम याद कर सकते हैं, जहां पे कोई भी विमेंस का मैच नहीं था, जो कि एक काफी कमाल की बात है। नंबर 15 फैक्ट की हम बात करते हैं, तो कोई विमेंस मैच ऐसा नहीं था रेसलमेनिया 32 तक जो कि 10 मिनट से ज्यादा चला हो, और जो रेसलमेनिया 32 थी वहां पे हमें 2 विमेंस के मैचेस देखने को मिले थे और दोनों ही जो गाइस थे यहां पे 10 मिनट से ज्यादा चले थे। फैक्ट नंबर 16 की हम बात करते हैं, तो वो ये है कि बेथ फीनिक्स जो कि एक WWE हॉल ऑफ फेम
फेमर और बहुत पॉपुलर चैंपियन रह चुकी हैं। उन्होंने कभी भी एक सिंगल्स मैच नहीं लड़ा है रेसलमेनिया में, जो कि एक बहुत चौंका देने वाली बात है। अगले फैक्ट की हम बात करते हैं तो बेकी लिंच रेसलमेनिया 35 से पहले एक भी रेसलमेनिया मैच नहीं जीती थी और उनका 0-3 विन लॉस रिकॉर्ड था अगर रेसलमेनिया 32 से रेसलमेनिया 34 तक हम देखें। अगला फैक्ट ये है गाइस कि रेसलमेनिया 34 एक लौता ऐसा पे पर व्यू था जहां पे 4 विमेंस के मैचेस हुए थे, जिनमें से एक मिक्स मैन टैग टीम मैच था जो कि रोंडा राउजी और कर्ट एंगल का अगेंस्ट स्टेफनी मैकमैन एंड ट्रिपल एच था। अगले फैक्ट की हम बात करते हैं तो ट्रिश स्ट्रैटस सबसे ज्यादा विमेन मैचेस लड़ने का जो रिकॉर्ड है वो होल्ड करती है रेसलमेनिया में और वो है 5 मैचेस का। अगले फैक्ट की हम बात करते हैं तो रोमन रेंज और हल्क होगन टाई करते हैं कंसेक्यूटिव रेसलमेनियास को मेन इवेंट करने के लिए और दोनों ने ही जो है वो 4 बार रेसलमेनिया को खत्म किया है। नेक्स्ट फैक्ट की हम बात करते हैं जो कि सब लोग अच्छे से जानते हैं कि अंडरटेकर होल्ड्स द मोस्ट कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ विंस एट द शोज ऑफ शोज जो कि है 21 बार और उसके बाद जो उनका 22nd मैच था वहां पे ब्रॉक लेसनर ब्रोक हिज स्ट्रीक। और अगले फैक्ट में भी हम अंडरटेकर की ही बात करते हैं कि वो होल्ड करते हैं सबसे ज्यादा कंसेक्यूटिव रेसलमेनिया मैचेस लड़ने का रिकॉर्ड जो कि 18 मैचेस हैं यानी कि 2001 से 2018 तक। अगले फैक्ट की हम बात करते हैं तो हावर्ड फिंकल जो थे गाइस वो सारी रेसलमेनिया में अपीयर हुए थे टिल 2016, बीच में उन्होंने एक भी रेसलमेनिया मिस नहीं करी है। अगले फैक्ट की हम बात करते हैं गोल्डस्ट हैज द मोस्ट कंसेक्यूटिव लॉसेस एट रेसलमेनिया जो कि है 10 लगातार लॉसेस। शार्लेट फ्लेयर ने आस्का को हराया था रेसलमेनिया 34 में गाइस जहां पे आस्का की 914 डेज की जो स्ट्रीक है वो डिफीट हो गई थी और यहां पे क्राउड जो था बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ था। अगले फैक्ट की हम बात करें तो रॉब वैन डैम की भी एक रेसलमेनिया में अनडिफीटेड स्ट्रीक है, वो 4 मैचेस जीते हैं और कभी भी जो है रेसलमेनिया में एक मैच नहीं आ रहे। जॉन सीना की हम बात करें तो ही हैज द मोस्ट वर्ल्ड टाइटल विंस एट रेसलमेनिया जो कि है टोटल 4 टाइम्स यानी कि 4 बार WWE या फिर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जो है वो जॉन सीना रेसलमेनिया में जीते हैं। नेक्स्ट फैक्ट इज दैट द अंडरटेकर हैज 24 विंस एंड द मोस्ट नंबर ऑफ विंस एट रेसलमेनिया और सिर्फ 2 ही ऐसे मैचेस हैं जो कि वो इस शो पर हारे हैं। नेक्स्ट फैक्ट की हम बात करते हैं तो एक ही रेसलमेनिया में सबसे ज्यादा मैचेस जीतने का रिकॉर्ड भी रैंडी सैवेज का ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उन्होंने एक बार में ही 4 मैचेस लड़े थे और चारों ही मैचेस वो जीत भी गए थे। ट्रिपल एच की हम बात करें तो 13 लॉसेज हैं उनके रेसलमेनिया के अंदर गाइज और ये है सबसे ज्यादा लॉसेज ऑफ एनी सुपरस्टार इन द हिस्ट्री ऑफ रेसलमेनिया और बहुत से लोग ये कहना चाहेंगे कि शायद उनको स्टिंग से भी हारना चाहिए था रेसलमेनिया 31 में। नेक्स्ट फैक्ट इज दैट द शॉर्टेस्ट मैच एवर इन द हिस्ट्री ऑफ रेसलमेनिया यानी कि सबसे छोटा मैच जो था वो था 6 सेकंड का रेसलमेनिया 32 में जहां पे रॉक ने हराया था एरिक रोवन को। और जो नेक्स्ट फैक्ट है वो ये है कि जो सबसे छोटा चैंपियनशिप मैच रहा है रेसलमेनिया की हिस्ट्री में वो था बिटवीन केन एंड चावो गरेरो एट रेसलमेनिया 24 जहां पे केन जो है इस मैच को सिर्फ जीत गए थे 9 सेकंड में। अगले फैक्ट की हम बात करते हैं तो लॉन्गेस्ट WWE चैंपियनशिप मैच एट रेसलमेनिया इज बिटवीन शॉन माइकल्स एंड ब्रेट हार्ट जो कि एक आयरन मैन मैच था फॉर द WWE चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 32 और ये मैच चला था 61 मिनट्स एंड 52 सेकंड्स जो कि इस पे पर व्यू की हिस्ट्री में शायद सबसे बड़ा मैच है। उसके बाद ये फैक्ट जो कि है बिल्कुल ही कमाल गाइस की जो स्टिंग है वो प्रोबेबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रो रेसलर हैं जो कि रेसलमेनिया में केवल एक ही मैच लड़े और वो एक मैच भी वो हार गए थे ट्रिपल एच से, लेकिन दूसरी तरफ माइकल कोल जो एक ही मैच लड़े अपने आप रेसलमेनिया में वो उस मैच को जीते थे जो कि था अगेंस्ट जेरी लॉलर एट रेसलमेनिया 27। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं गाइस यहां पे तो शॉन माइकल्स को जबकि बोला जाता है मिस्टर रेसलमेनिया, अगर उनके रेसलमेनिया रिकॉर्ड की तरफ हम देखें तो वो 6 मैचेस जीते हैं और 11 मैचेस हारे हैं, तो ये एक ऐसी बात है कि जबकि उनके मैचेस कमाल के होते हैं लेकिन तब भी वो इस पे-पर-व्यू पे ज्यादा जीतते नहीं थे। अब हम बात करते हैं तो गोल्डस्ट डडली बॉयज विंस मैकमैन फिनले और आर्ट रूथ ये ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कभी भी एक भी मैच नहीं जीते हैं रेसलमेनिया के अंदर। इफ यू आर वंडरिंग विंस मैकमैन का रेसलमेनिया रिकॉर्ड जो है वो है 0 wins and 4 losses। नेक्स्ट फैक्ट इज अबाउट सेबल जो कि ना ही सिर्फ ब्रॉक लेसनर की वाइफ हैं बल्कि इकलौती ऐसी विमेन सुपरस्टार हैं जो कि आज तक कभी रेसलमेनिया में हारी नहीं है और उनका है 3 wins 0 losses का रिकॉर्ड। नेक्स्ट फैक्ट की मैं बात करूं तो मॉली हॉली इकलौती ऐसी फीमेल सुपरस्टार हैं जो कि हार्डकोर चैंपियनशिप जीती थी रेसलमेनिया 18 में जहां पर उन्होंने
हरिकेन को पिन करा था, लेकिन सेम नाइट पर क्रिश्चियन ने उनको वापस पिन कर दिया था और वो वापस जीत गए थे हार्डकोर चैंपियनशिप। नेक्स्ट फैक्ट इज दैट द रॉक की ओनली पिनफॉल विक्ट्री ओवर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन इज एट रेसलमेनिया, जहां पे रॉक ने ऑस्टिन को हराया था एट द 19th एडिशन ऑफ रेसलमेनिया में। उसके बारे में बात करते हैं तो अंडरटेकर की स्ट्रीक गाइज इंक्लूड करती है विक्ट्री अगेंस्ट एवरी मेंबर ऑफ एवोल्यूशन। इनफैक्ट ट्रिपल एच को उन्होंने रेसलमेनिया में 3 बार हराया हुआ है। नेक्स्ट फैक्ट की हम बात करते हैं गाइज, तो रेसलमेनिया 2000 जो थी वहां पे कोई भी नॉर्मल सिंगल्स मैच था ही नहीं पूरे कार्ड में, यानी कि कोई ना कोई स्टिपुलेशन थी, या फिर टैग टीम मैच था या फिर कोई और टाइप का मैच था, लेकिन देयर वाज नो सिंगल्स मैच जिस पे कोई भी कुछ स्टिपुलेशन ना हो। और अगले फैक्ट में रेसलमेनिया 21 एक ऐसा पेपरव्यू जहां पे कोई भी टैग टीम मैच नहीं था। अगले फैक्ट की हम बात करते हैं तो रेसलमेनिया 32 ने रिकॉर्ड तोड़ा था ऑफ ऑल टाइम द ग्रेटेस्ट अटेंडेंस एवर इन रेसलमेनिया, जो कि थी 101,763 पीपल। नेक्स्ट फैक्ट की मैं बात करूं गाइस, तो स्टोन कोल्ड वर्सेस ब्रेट हार्ट रेसलमेनिया 13 में, शॉन माइकल्स वर्सेस रेजर रमोन रेसलमेनिया 10 में, इकलौते ऐसे दो रेसलमेनिया के मैचेस हैं जिसको डेव मेल्सर यानी कि रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से एक 5-स्टार रेटिंग मिली हुई है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि और भी ऐसे मैचेस थे जैसे कि शॉन माइकल्स वर्सेस अंडरटेकर एट रेसलमेनिया 25 जिसको 5-स्टार रेटिंग मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसको डेव मेल्सर ने इतनी रेटिंग नहीं दी है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो रेसलमेनिया 4 में गाइस टोटल 16 मैचेस थे, द मोस्ट नंबर ऑफ मैचेस एवर ऑन अ रेसलमेनिया कार्ड, जिसको प्रोबेबली इस साल रेसलमेनिया मैच कर रही है विद रेसलमेनिया 36। अगले फैक्ट की हम बात करते हैं गाइस, तो रेसलमेनिया 24 में शॉन माइकल्स ने रिटायर करा था रिक फ्लेयर को, और रेसलमेनिया 26 में अंडरटेकर ने रिटायर करा था शॉन माइकल्स को, लेकिन इसके बाद रिक फ्लेयर बहुत बार लड़ चुके हैं अपने TNA के करियर में, जबकि शॉन माइकल्स जो हैं उन्होंने एक ही बार लड़ाई करी है, एक ही मैच लड़ा है जो कि था सऊदी अरेबिया में। नेक्स्ट फैक्ट की हम बात करते हैं गाइस, तो फैंडांगो ने क्रिस जेरिको को हराया था रेसलमेनिया 29 में, जो कि उनके करियर की प्रोबेबली अभी तक सबसे बड़ी अचीवमेंट है और रेसलमेनिया का वन ऑफ द सबसे बड़ा अपसेट्स। नेक्स्ट फैक्ट की हम बात करें तो हल्क होगन हैज मेन इवेंटेड रेसलमेनिया 8 times विच इज मोस्ट बाय एनी परफॉर्मर, और ट्रिपल एच इज नेक्स्ट टू हिम विद 7 रेसलमेनिया मेन इवेंट्स टू हिज नेम। उसके बाद हम बात करते हैं 2017 की गाइस, तो फोर्ब्स ने एस्टिमेट करा था कि रेसलमेनिया की जो वर्थ है वो है $195 million, जो कि उसको बनाती है 6th सबसे बड़ा स्पोर्टिंग ब्रांड इवेंट। और उसके बाद फाइनली गाइस 50th नंबर फैक्ट ये है कि डॉल्फ ज़िगलर आज तक कभी भी रेसलमेनिया में एक भी सिंगल्स मैच नहीं लड़े हैं। क्या उनको वो मैच कभी मिलेगा? इस साल बिल्कुल मिलेगा। तो रेसलमेनिया 36 में ज़िगलर वर्सेस ओटिस इज ज़िगलर्स फर्स्ट एवर सिंगल्स मैच एट रेसलमेनिया, जो कि इतनी कमाल की बात है, अभी तक उन्होंने कोई सिंगल्स मैच नहीं लड़ा था। तो गाइस ये थे 50 फैक्ट्स अबाउट रेसलमेनिया जो कि प्रोबेबली आप नहीं जानते थे। इनमें से आपको शायद बहुत सारे पता होंगे, लेकिन आपको ये जानने भी काफी जरूरी हैं। रेसलमेनिया आ रही है तो आपकी यादें यहां पे सारी ताजा हैं और सारे स्टैट्स सब आपको पता लग चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।